हेलो फ्रेंड, आज ये भयंकर बारिश में आपको एक वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये WDG4G इंजन है और आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जो रेल है, रेल को 10 से 12 मीटर के हिसाब से ये जॉइंट किया जाता था। मतलब ये एक रेल का जो लेंथ है 10 से 12 मीटर से ऊपर नहीं हुआ करता था, जैसे मैनुअली ऑपरेट करने के लिए जितना होना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए, ये जो ट्रेन देख रहे हैं और ये इसमें कम से कम 500 to 700 मीटर लंबा रेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको अनलोड करके फिर आपका जो रेल है वो कम से कम 700 मीटर का अंतर जॉइंट होता है, फिर उसको वेल्डिंग करके फिर बढ़ाया जाता है। किलोमीटर डेढ़ 2 किलोमीटर तक रेल में कोई भी जॉइंट नहीं होता आजकल। इससे न्यू डेवलपमेंट रिसर्च में बोला गया है, अगर जॉइंट नहीं है फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सोचते थे पहले जो कि गर्मी और बरसात में, गर्मी और ठंडी में जैसे रेल बढ़ना घटना होता है, लेकिन इसके लिए रिसर्च में बोला गया है कि वो गैप का ज़रूरी नहीं है। इसलिए आजकल जो रेल जो लेंथ है इनिशियली 700 मीटर तक हो सकता है, उसके बाद फिर उसको जोड़ जोड़ के 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक कोई भी जॉइंट नहीं रखा जाता है। ऐसे न्यू डेवलपमेंट ऑफ रेल, सो इस ट्रेन को रेल ढोने के लिए यूज़ होता है, जो न्यू रेल ढोने के लिए यूज़ होता है। इट्स ए स्पेशल मेड वागन। सो हम आपके साथ ये भयंकर बारिश में भी आपको ये वीडियो आपके लिए हाजिर किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।